मानिक वाह, कमाल कर दिया तूने। ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि इस खिलौने की आइडिया हमारे दिमाग में पहले कैसे नहीं आई। वाह मानिक, जी चाहता है चूम लूं तुझे, चूम लूं तुझे। अब आएगा मजा। बंद करो ये बचपना। एक तरफ राज सिंघानिया मेरे सर के ऊपर मौत का तांडव कर रहा है और दूसरी तरफ प्रेम सिंघानिया जो अपनी हर बाजी को मारकर मुझे मात देने में कामयाब होता चला जा रहा है। हमारी ताकत हमारे इस एम्पायर को दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं वो लोग, और तुम लोग यहां बच्चों की तरह इन खिलौनों के साथ खेल रहे हो। अगर खेल नहीं है तो दुश्मन के खून की होली खेलो। वही खेल तो खेलना है चाचू, ये प्रेम की मौत है। देखते जाओ इस खिलौने का खेल ये प्रेम के खेल को किस तरह खत्म करता है। इस रोबोट में एक ऐसा टाइम बम फिट होगा जो इसके चलने के एक मिनट बाद धमाके के साथ फट जाएगा। हाँ, इसी दरमियान किसी ने इसे छूने की कोशिश की या कोई चीज इसे टकराए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। चाचो, सांप के जहर से एक बार आदमी बच सकता है लेकिन इसके धमाके से बचना नामुमकिन है। देखिए, काम धंधा तो सबके पीछे लगा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को बच्चे से अपना ध्यान हटा देना चाहिए। भगवान ना करे अगर कोई इस बच्चे को उठा ले जाता तो आप लोग क्या करते? वो तो अच्छा हुआ ये बच्ची थोड़ी बहुत बोल लेती है, इसलिए पुलिस को इसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हवलदार जी साहब, आप लोग जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। बंद करो से। बता सकते आप पे किए गए इतने खतरनाक कातिलाना हमले के पीछे क्या राज है? सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपना फर्ज निभाते निभाते फर्ज निभा रहे हो तुम। दरअसल फर्ज निभाने की आड़ में तुम अपने भाई राज सिंघानिया की मदद कर रहे हो। नहीं सर, जो ख्वाब देख रहा है फिरता सिंघानिया का पावर हासिल करने का, इसलिए सामने वाली गैंग ने तुम पर हमला किया। दरअसल यह हमला इंस्पेक्टर प्रेम पे नहीं सिंघानिया के बेटे पे था और मारे गए ये बेगुनाह लोग सिर्फ तुम्हारी वजह। सर, ये सरासर इल्जाम है कि मैं अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूँ। तो तुम ये साबित करके बताओ, सबूत दो इस बात का कि तुम्हारे और राज सिंघानिया का रास्ते अलग अलग है। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कल सिंघानिया ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक माल लेकर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रक तुम पकड़कर पुलिस के हवाले करो, और अगर ये डील कैंसिल हुई तो याद रखना मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि तुमने इस डीलिंग के लिए अपने भाई को मना कर दिया। सर, अगर ऐसी बात है तो माल पकड़ने में खुद जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि इस मिशन में इंस्पेक्टर पवार मेरे साथ रहे। अरे रसुदे ते रसीले मसकहते जाके मसक नहारेती। अरे उस्ताद पुलिस। अरे छोड़ना यार पुलिस। लगता है पुलिस हाथों के पीछे पड़ गई। उस्ताद पुलिस पुलिस
प्रेम राजू तेजस्वर और शमशेर का बटरफ्लाई क्लब, जब ब्राउन शुगर के साथ साथ लड़कियों का नंगा नाच और बेबस लड़कियों का सौदा होता है। एड्रेस चारों तरफ से घेर लो, सालों को कोई भागने ना पाए। अगर कोई गरीब लड़की अपनी इज्जत बेचना ना चाहे तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी उसकी इज्जत खरीद नहीं सकता। सुनो, उस दिन तुम शराफत का ढोंग कर रही थी या फिर किसी एक का होना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है। बेगैरत, तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ अपना जिस्म दिखाती है। आगे मैं बोल दूं, मैं अपना जिस्म दिखाती ही नहीं बल्कि बेचती भी हूं, यही ना? और अगर मैं ऐसा करती भी हूं तो गैरत मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने अचानक वर्दी क्या पहन ली, शराफत और गैरत का लेक्चर देने लगा। तुमने गरीब देखे होंगे, गरीबी नहीं, गरीबी क्या होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे साथ और देखो मजबूरी गैरत से कितनी बड़ी होती है। आओ ये देखो मेरे मासूम भाई बहन, स्कूल मास्टर विद्यासागर के बच्चे, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को गुलिस्तान बना दिया, लेकिन उनके अपने बच्चों को फीस न भरने के वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया गया। और ये है मेरे स्वर्गवासी पिता विद्यासागर। इनके मरने के बाद परिवार को जिंदा रखने के लिए उनकी बेटी को अपनी जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी। ये है मेरी उजड़ी हुई वीरान दुनिया, जिसकी तबाही का जिम्मेदार है सिंघानिया परिवार। मेरी शादी पर आशीर्वाद देने आए थे तुम्हारे पिता, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। सुहागन बनने से पहले ही मैं विधवा बन गई। इस सदमे ने मेरे पिता को दिल का मरीज बना दिया, लेकिन तुम्हारे जालिम परिवार का इससे भी दिल नहीं भरा। सिंघानिया ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक ने मेरे पिता को बेदर्दी से कुचल दिया। न जाने कितने गरीब अमीरों की आपसी दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, और जब मजबूर होकर अपना जिस्म बेचती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कभी पैसे वालों पर गोली चलाई है, कलाई पकड़ी है किसी अमीर की? है इतनी हिम्मत? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। तुम और तुम्हारा कानून हम जैसे गरीबों के विनाश के लिए बना है। ले चलो मुझे और बंद कर दो हवालात में, मर जाने दो इन बच्चों को भूख से। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें और तुम्हारे सिंघानिया खानदान को? लो गिरफ्तार कर लो मुझे।
सब बकवास कर रहे हो। प्रेम दूसरों के लिए इंस्पेक्टर है, हमारे लिए नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर राज सिंघानिया। आज के बाद इस छत के नीचे ना कोई जुर्म होगा, ना मैं किसी जुर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा हूं मिस्टर राज सिंघानिया। माना कि वर्दी पहनने के लिए मेरी नीयत गलत थी, मेरे विचार गलत थे, मेरी सोच गलत थी। माना कि वर्दी के साथ मैंने खिलवाड़ किया, लेकिन अब मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं। अपने रास्ते बदल दो मिस्टर राज सिंघानिया। क्यों? तेरी तरह मुजरिम हूं मैं? भूल जाओ अपने बाप की हत्या, माफ कर दो उनके हत्यारों को। अरे होश में आ प्रेम सिंघानिया। प्रेम? प्रेम, हमारा मकसद कुछ और था, इस वर्दी की वजह कुछ और थी। पूछ अपने दिल से, तो कहां तक सही है? पूछ उस दिल से जिसमें आज तक तू अपने बाप की मौत का गम महसूस कर रहा है। ये उसी दिल की आवाज है। अगर तेजस्वर खूनी और स्मगलर है तो हमारा पाप कौन था? खबरदार, जो तेजस्वर की बराबरी मेरे पापा के साथ करने की कोशिश की तो। हाथ हटाओ राज सिंघानिया, ये कॉलर तुम्हारे छोटे भाई का नहीं, एक पुलिस ऑफिसर का है। अरे बहुत देखे तेरे जैसे पुलिस वाले, कानून को खरीदते आए हम कानून को, और तू कानून के हाथों बिककर आ गया। अपने बाप की हत्या इतनी जल्दी भूल गया तू? होली में खेलने वाले लोग अपने आप को रंग से नहीं बचा सकते, ठीक उसी तरह मेरे बाप ने भी खून की होली खेली थी और अपने आप को खून में रंग दिया। तो क्या मैं समझूं कि मैं सिंघानिया का इकलौता बेटा हूं? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस इंसान का बेटा हूं जो गरीबों का मसीहा था। मैं उस इंसान का बेटा नहीं जिसके दहशत ने मेरे बहन के प्यार को हमेशा के लिए छीन लिया, जिसने अपनी हुकूमत जमाने के लिए अपने ही बेटे को गलत रास्ते पर डाल दिया। अगर तू इन्हें अपना पिता मानने के लिए तैयार नहीं तो तुझे इस छत के नीचे रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं ये छत छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगा। जुर्म के इस खंडर को प्यार और इंसानियत का मंदिर बनाऊंगा। वो डर, वो दहशत जो लोगों के दिलों में सिंघानिया के नाम का है, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्ल को लोग प्यार और इज्जत के रूप में देखें। मिस्टर राज सिंघानिया, आप अपने रास्ते बदल लो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। I'm sorry। अबे जा! सिंघानिया का बेटा तू? मुस्तिल, डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है? अकेला लड़ूंगा मैं, बिना हथकड़ी, चला गोले, लेकिन अपने बाप की मौत का बदला लिया बगैर नहीं मरूंगा मैं। नहीं मरेगा ये राज सिंघानिया, नहीं मरेगा। दीदी दीदी, ये देखो बुक्स और मुझे डॉल। ये सब तुम्हारे पास कहां से आए? वो जो पुलिस अंकल है ना, उन्होंने दिए। तुम यहां क्यों आए हो? बच्चों के लिए कुछ किताबें और खिलौने लाया था, इनका एडमिशन मैंने पंचगनी स्कूल में करवा दिया। जब तक मैं हूं, मेरे भाई बहन को न किसी की कोई मदद चाहिए, ना किसी का कोई एहसान। मैं जानता हूं मैं एक खुददार स्कूल मास्टर के घर खड़ा हूं, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है। तो फिर और क्या है? हमारी मदद करके तुम अपने दिल, अपने जमीर के बोझ को हल्का करना चाहते हो? मैं अपने दिल के बोझ को हल्का करने नहीं, तुम्हारे बोझ को बांटने आया हूं। जरा सोचो पूजा, अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इन बच्चों को तुम दो वक्त की रोटी तो खिला सकती हो, मगर समाज में इज्जत नहीं दिलाती। ये समाज इन बच्चों को मास्टर विद्यासागर की औलाद का दर्जा नहीं देगा। मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालना चाहता हूं पूजा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
देवा, ओ देवा, इधर भैया। देख देख कौन आया। कौन है? तेरी छोटी भाभी। भाभी? हाँ भाभी। हाँ तेरी छोटी भाभी। भाभी आई भैया, भाभी आई भैया। बाबा बाबा, दीदी। अंजलि क्या हुआ? भैया आपका झगड़ा तो बड़े भैया से था ना, मुझसे किस बात की नाराजगी थी? आप शादी भी कराए, मुझे शादी में बुलाया भी नहीं। मैंने इतनी जल्दी शादी। अंजलि ऐसे खुशी के मौके पे शिकायत नहीं किया करते। आओ अंदर आओ। भाभी ये पूजा है। पूजा पैर छू भाभी के। अरे नहीं, ये तो मेरी बहन है ना? प्रेम आज अपने भैया से नहीं मिलोगे? आ जाओ। प्रेम ये हमारे बड़े भाई हैं, पिता के समान। हमें आशीर्वाद दीजिए। देखा, शादी भी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। क्या अगर ये हमें बुलाता तो हम जाते नहीं? प्लीज राज, बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों की गलतियों को माफ कर दे। और फिर आज का दिन तो बहुत खुशी का दिन भी है ना। प्लीज हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। तेजस्वर साहब। ओके बाय। क्या बात है? मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 50 लाख रुपये। 50 लाख? 50 लाख में कितने जीरो होते हैं तुम जानते हो कांतिलाल दलाल? केएलडी, प्यार से लोग मुझे केएलडी कहते हैं। और 50 लाख में कितने जीरो होते हैं सिर्फ यही नहीं जानता मैं, उसका वजन भी अच्छी तरह से जानता हूं। टेंशन मत लीजिए, उसके बदले में आपको मैं रिसीट दूंगा जिसमें लिखा होगा प्रेम सिंघानिया अपनी सुहागरात कहां मना रहा है, जहां जाकर बड़ी आसानी से आप उसे खत्म कर सकते हैं। कांते, ज्यादा फुटेज मत खा, जल्दी बता के प्रेम सिंघानिया कहां मिलेगा। पचास लाख। अब बताओ कांति, मेरा दिमाग मत खराब करो। तेजेश्वर इसे रुपए दे दो, यह हमें प्रेम का पता देगा और मैं तुम्हें दूंगा प्रेम सिंघानिया की लाश।